स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 13 पढ़ेंगे। डिस्क्राइबिंग पर्सन एंड थिंग। बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे, मैम ने बताया था ना आपको लास्ट क्लास में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में, लास्ट वीडियो में बताया था ना, आज मैम आपको और बताएंगे। लास्ट क्लास में बताया था मैम ने कलर के बारे में, है ना? हाँ, ब्राउन चेयर। कैसी है चेयर? ब्राउन। तो उसमें हमने कलर के बारे में बताया था, ब्राउन कलर। ऐसे ही पिंक ड्रेस। ड्रेस कैसी थी? पिंक। पिंक कलर की ड्रेस थी ना, तो उसमें भी हमने क्या बताया? कलर। कलर्स, जितने भी कलर्स होते हैं वो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। उसके बाद किसी चीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके बाद साइज। साइज हो गया बिग, स्मॉल, लार्ज, टॉल, शॉर्ट। राम इज अ टॉल बॉय। राम कैसा है? टॉल। तो उसमें हम किसी की साइज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? साइज। राम इज अ टॉल बॉय, तो टॉल है राम, तो हमने उसका साइज बताया। क्या बताया? साइज। मैम ने कल नंबर्स के बारे में भी बताए थे। राम हैज 50 रुपीज़। राम के पास कितने रुपीज़ थे? 50। तो हमने बताया ना कि 50 रुपीज़ है, हमने काउंट्स में गिने, मतलब नंबर। इसमें क्या डिस्क्राइब किया है कि कितने रुपीज़ हैं? 50 रुपीज़ हैं, है ना? 50 क्या हुआ? नंबर। साइज में हमने लार्ज, टॉल, शॉर्ट, ये क्या हुए? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, साइज के डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। कलर्स में रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक, सारे कलर्स हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। उसके बाद शेप। अब हम शेप भी देखते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में कि वो किस शेप का है। वो राउंड है, वो स्क्वायर है ना, वो ओवल है। लाइक एग कैसा होता है? ओवल शेप का। एग कैसा होता है? ओवल शेप का। तो ऐसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में शेप्स की बताते हैं, ठीक है? उसके बाद साउंड्स। मैम ने कल साउंड के बारे में भी बताया था लास्ट वीडियो में कि राम के ब्रदर को कैसा साउंड पसंद था? लाउड म्यूजिक। कैसा? लाउड म्यूजिक। तो म्यूजिक का साउंड कैसा था? लाउड। म्यूजिक का साउंड कैसा था? लाउड। सॉफ्ट, सॉफ्ट साउंड होता है, लाउड साउंड होता है। तो राम के ब्रदर को लाउड म्यूजिक पसंद था। फील लाइक। आज मैम आपको फील लाइक के बारे में बताएगी कि हम क्या फील करते हैं, ठीक है? उस वो कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। हमने लुक लाइक के भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पढ़े थे, जैसे सियाज ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल। सियाज ड्रेस इज ब्यूटीफुल। सिया की ड्रेस कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो कैसी दिख रही है? लुक लाइक मतलब कैसी दिख रही है? ब्यूटीफुल दिख रही है। कैसी दिख रही है? ब्यूटीफुल दिख रही है, ठीक है? सानवी इज प्रिटी। सानवी इज अ प्रिटी गर्ल। सानवी इज अ प्रिटी गर्ल। तो हमने क्या बताया? उसका लुक्स बताया, ठीक है? तो प्रिटी, ठीक है, ब्यूटीफुल, ये सब होते हैं लुक्स। आज मैम आपको फील्स के बारे में बताएंगी। फील्स क्या होते हैं? हमारे अंदर की फीलिंग, हम कैसा फील कर रहे हैं। वी आर हैप्पी, वी आर सैड, तो ये सब हमारे फीलिंग्स होते हैं। हम हैप्पी फील कर रहे हैं, हम सैड फील कर रहे हैं, है ना? तो ये हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। दिस इज सैड, ठीक है? द गर्ल लुक्स सैड। वो लड़की कैसी दिख रही है? सैड दिख रही है, मतलब उसकी फीलिंग्स कैसी हैं? सैड। तो वो एक सैड क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। तो ये जो हमने लिखे हैं, इनके जो भी होते हैं जो कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सब क्या है? डिस्क्राइब, किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। साइज, लार्ज, टॉल, शॉर्ट, ये सब क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नंबर, नंबर भी किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है। 100 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कितने रुपये हैं। 50 रुपीज़ हैं, है ना? लुक्स, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ प्रिटी, है ना? तो किसी चीज़, किसी
लुक्स पर हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब साउंड म्यूजिक कैसा है, लाउड है, सॉफ्ट है ना, तो साउंड्स का भी हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होता है। जैसे रोहन इज लिसनिंग लाउड म्यूजिक, रोहन कैसा म्यूजिक सुन रहा है, लाउड। कैसा उसको कैसे साउंड पसंद है, म्यूजिक पसंद है, लाउड म्यूजिक पसंद है। तो उसमें हमने म्यूजिक के बारे में डिस्क्राइब किया कि उसको कैसा म्यूजिक पसंद है, लाउड म्यूजिक पसंद है उसे। तो ये हो गया साउंड्स में। शेप में, अब एग का शेप कैसा होता है, ओवल। एग का शेप कैसा होता है, ओवल, है ना। ऐसे ही सर्कल, स्क्वायर, बैंगल कैसे शेप की होती है, हाँ सर्कल शेप। कैसा शेप होता है बैंगल्स का, सर्कल शेप होता है। ठीक है बच्चों, तो उसमें हम बताएंगे कि उनका शेप है, शेप को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, बैंगल्स का कैसा शेप है, सर्कल शेप। ठीक है, उसके बाद आते हैं फील्स पर। अब मैम बताएगी, दिस गर्ल लुक्स हैप्पी, मतलब वो लड़की कैसी दिख रही है, हैप्पी, कैसा फील कर रही है, वो हैप्पी फील कर रही है। ठीक है, अब मैम आपको उस चैप्टर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस बताएंगे। द गर्ल्स आर डैश, इधर थ्री गर्ल्स हैं और वो स्माइल कर रही हैं, तो हम उनकी फीलिंग समझ सकते हैं ना, वो कैसा फील कर रही हैं। यस, इधर थ्री गर्ल्स की पिक्चर है और हमें पता है वो कैसा फील कर रही है, क्योंकि उनका स्माइली फेस है, तो हमें पता है द गर्ल्स आर हैप्पी, द गर्ल्स आर हैप्पी, उनकी फीलिंग है कि वो हैप्पी है। ठीक है, आई एम अ डैश बॉय। इधर एक बॉय है, वो बहुत थिन है, मतलब बिल्कुल पतला सा है, तो वो क्या बोल रहा है, आई एम अ डैश बॉय, मतलब आई एम अ थिन बॉय, मैं पतला बॉय हूँ, मतलब मैं बहुत पतला हूँ, आई एम अ थिन बॉय। तो बॉय के बारे में क्या डिस्क्राइब किया, वो थिन है, कैसा है, थिन है, उसका शेप कैसा है, थिन। इट इज़ अ स्मॉल पेंसिल, इट इज़ अ स्मॉल पेंसिल। अब पेंसिल कैसी है, स्मॉल, पेंसिल कैसी है, स्मॉल। ठीक है, ऐसे ही योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, तुम्हारी ड्रेस कैसी दिख रही है, ब्यूटीफुल, कैसी दिख रही है, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ड्रेस कैसी है, उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है ब्यूटीफुल। दिस इज अ शार्प नाइफ, अब नाइफ कैसा है, शार्प, नाइफ कैसा है, शार्प, नाइफ कैसा है, शार्प। द गर्ल्स लुक सैड, जो गर्ल है वो कैसा फील कर रही है, सैड फील कर रही है, कैसा, सैड। तो सैड क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि वो गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो गर्ल सैड है, क्या है, सैड है। भगत सिंह वॉज अ ब्रेव मैन, भगत सिंह कैसे थे, ब्रेव थे, कैसे थे, ब्रेव। ठीक है, ऐसे ही कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को सर्कल करना है। दीज आर टाइनी चिक्स, अब चिक्स कैसी है, टाइनी, मतलब छोटी, तो टाइनी क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आई हैव अ पिंक इरेजर, अब उसके पास कैसी इरेजर है, इरेजर का कलर बताया है, पिंक, पिंक क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। शी इज वियरिंग अ ग्रीन फ्रॉक, अब एक गर्ल है, उसने ग्रीन कलर की फ्रॉक पहनी है, और फ्रॉक कैसी है, ग्रीन कलर की, कैसी, ग्रीन कलर की। द डॉग हैज़ अ कर्ली टेल, अब डॉग की टेल कैसी है, कर्ली, कैसी है, टेल, कर्ली टेल, कैसी है, कर्ली टेल, कैसी है पूछा, मतलब उसको डिस्क्राइब कर दिया कि वो टेल कर्ली है। शी इज़ अ थिन गर्ल, अब गर्ल कैसी है, थिन, मतलब पतली है, गर्ल को डिस्क्राइब किया कि वो एक थिन गर्ल है, क्योंकि थिन क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। दीज आर स्वीट मैंगोज, अब दीज आर स्वीट मैंगोज, अब मैंगोज कैसे टेस्ट करी है, स्वीट,
उनका टेस्ट कैसा है? स्वीट। तो ये भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है कि मैंगो स्वीट टेस्ट कर रही है। कैसा? स्वीट। हमारे टंग पे कौन सा टेस्ट आ रहा है? सॉर, बिटर, स्वीट। तो ये भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे मैंगोज आर स्वीट, बिटर गाज आर बिटर, है ना, बिटर गाज आर बिटर, लाइक दिस। आपको वो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो बिटर, सॉर, स्वीट, है ना, ये सब भी क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओके, तो ये थे आज हमारे डिस्क्राइबिंग पर्सन्स एंड थिंग्स। तो हम सबको डिस्क्राइब कर सकते हैं उनके शेप से, उनके साइज से, नंबर से, कलर से, फील से, टेस्ट से, क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है, साउंड, लुक्स। तो ये सारे क्या है? हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो आपको भी घर में प्रैक्टिस करनी है और ऐसे मैम जैसे एक चार्ट बनाना है, एक फ्लावर बनाना है पेपर पे, और उस पर ये सारे लिखने हैं कि कलर्स, साइज, नंबर, लुक्स, ठीक है, फील, साउंड, शेप, टेस्ट। तो ये सब आप लिखोगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। तो ये आप एक चार्ट बना लो या A4 साइज शीट पर एक फ्लावर बनाकर ऐसे पूरा लिख लो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं और आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।